हेलो एंड वेलकम टू indiabird.com। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। इसके पार्ट वन है ये, और भी आपको मल्टीपल पार्ट्स मिलते रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे अभी RRB JEE मेन्स का एग्जाम होने वाला है, तो इस तरह के और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो देखें और कोशिश करें जो भी हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप पहले से ही आप उसका देखें कि आपके हिसाब से आंसर क्या है, उसके बाद फिर देखें आपका आंसर सही है कि नहीं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इसमें क्वेश्चन जो होंगे रिलेटेड होंगे, जो मैंने थ्योरी बताया था उससे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको फ्री में रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो, कोई नया फॉर्म आया हो उससे रिलेटेड वीडियो, तो सारे कुछ आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, उसके बाद फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई भी सवाल के लिए कॉमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट प्राइमरली टेक्स केयर ऑफ द बिहाइंड द सीन डिटेल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि बिहाइंड द सीन डिटेल्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर हो गया उसको, और वो मैनेज करता है हार्डवेयर को, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? इसके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है वर्किंग को जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है हार्डवेयर का यूज करने को, और हार्डवेयर को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर का यूज करने को, तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर टू, लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था थ्योरी में। ऑप्शन है इसके विंडोज, मैक, ओपन सोर्स या माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर है सी, ओपन सोर्स। क्वेश्चन थ्री, नेम एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूजर प्लेसेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, इनपुट एक्सेप्ट करना मतलब वो कंप्यूटर में कोई डेटा वो लेता है, तो जब यूजर जो है अपना फिंगर टिप यूज करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इसका ऑप्शन है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या टच स्क्रीन। इसका करेक्ट आंसर है डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को आप यूज करेंगे तो उसको आप उससे आप इनपुट दे सकते हैं। क्वेश्चन फोर, जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन डैश डायरेक्शंस। तो जॉयस्टिक से किस डायरेक्शन में मूवमेंट्स अलाउ होता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है बोथ द एबव। जॉयस्टिक को यूज किया जा सकता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, सारे तरफ में मूवमेंट में। क्वेश्चन फाइव, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ। तो सर्वर एक वैसा डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो भी उससे कनेक्टेड हो, तो किससे कनेक्ट होना चाहिए, नेटवर्क, क्लाइंट, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर है ए, नेटवर्क। क्वेश्चन सिक्स, MICR रीड्स द कैरेक्टर्स बाय एग्जामिनिंग देयर शेप्स इन डैश फॉर्म। MICR जो आप देखते होंगे कोड रहता है, वो कैरेक्टर को क्या एग्जामिन करता है, किस शेप में कैरेक्टर को रहने पे वो एग्जामिन करता है। ऑप्शन है बाइनरी, ASCII, मैट्रिक्स या नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेवन, यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग द डैश। तो आप सेल फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं एक सेल से दूसरे में, तो इसके ऑप्शन है बैकस्पेस की, डिफॉल्ट फॉन्ट, फॉर्मेट प्रिंटर या फॉर्मेटिंग टूल बार। तो किस टूल से हम लोग यूज कर सकते हैं या बटन से यूज कर सकते हैं, इसका सही आंसर है सी, फॉर्मेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क हम लोग जो रेफर करते हैं वो किसको करते हैं, LAN, DSLC, RAM या USB। सो करेक्ट आंसर है ए, LAN। क्वेश्चन नाइन, मॉडेम स्पीड्स आर मेजर्ड इन। तो मॉडेम का स्पीड किसमें मेजर होता है, KBPS, MBPS, BPS या MIPS।
करेक्ट आंसर है सीबीपीएस। क्वेश्चन 10, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस विंडोज लोगो प्लस एफ। तो आप कंप्यूटर में, आप अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल विंडोज प्लस एफ प्रेस करने पे आपका क्या आएगा? ऑप्शन है रीस्टोर द मिनिमाइज्ड बट विंडोज, या ओपन माई कंप्यूटर, या सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, या सर्च फॉर कंप्यूटर्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, सर्च फॉर कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो इन सब में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है गूगल, बाइडू, वॉल्फ्राम अल्फा या याहू। इसका करेक्ट आंसर है सी, वॉल्फ्राम अल्फा। बाकी तीनों सर्च इंजन है। सर्च इंजन से क्या यूज होता है? तो सर्च इंजन में हम भी कुछ भी आपको सर्च की हो तो वो आप एंटर कर दीजिए और आपसे उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 12, बग मीन्स, तो बग का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, या डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, या सी अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। क्वेश्चन 13, अ डैश कार्ड एक्सेप्ट ईच कंप्यूटर थ्रू द वायरिंग इन द नेटवर्क। तो एक कौन सा कार्ड है जो कनेक्ट करता है ईच कंप्यूटर को वायरिंग नेटवर्क में? तो इसके ऑप्शन है मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस, पीसी इंटरफेस, या ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है बी, नेटवर्क इंटरफेस। क्वेश्चन 14, MICR इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन स्टॉक मार्केट, सुपर मार्केट, लाइब्रेरीज, या बैंकिंग इंडस्ट्री। तो MICR को एक्सक्लूसिवली किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बैंकिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन। तो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन क्या है इसमें? डेटाबेस डिजाइन, बैकिंग ऑफ द डेटाबेस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, या ऑल ऑफ द एबव। सर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, मतलब तीनों में, डेटाबेस डिजाइन हो, या बैकिंग ऑफ द डेटाबेस हो, या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम अंडर विंडोज। तो कोई भी एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम है विंडोज में तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डीओसी, या डॉट टीएक्सटी, या डॉट बिन, या डॉट ईएक्सई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डॉट ईएक्सई। डॉट डीओसी वर्ड फाइल के लिए यूज होता है, डॉट टी एक्स टी आपको टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है, डॉट बिन आपको रिसाइकल बिन में अगर कुछ जाएगा फोल्डर डिलीटेड फाइल के लिए यूज होता है, डॉट ई एक्स ई एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन 17, व्हेन द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर एप्लीकेशन इज रेफर्ड एज। जो कंप्यूटर है अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी यूजर एप्लीकेशन के बिहाफ में तो उसको क्या बोलते हैं? यूजर मोड, कर्नल मोड, मेगा मोड, या सेफ मोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूजर मोड। क्वेश्चन 18, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डैश पार्टीशन टू बूट योर कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा पार्टीशन यूज करता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए? इसका ऑप्शन है एक्टिव, पैसिव, सबमिसिव, या रिपल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्टिव। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी किस टाइप का मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी इन 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 ऑप्शंस में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, बबल मेमोरी, सीडी रोम, या कोर मेमोरीज। इसका सही आंसर है सी, तो सीडी रोम। क्वेश्चन 20, जावा वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय। तो जावा को किस कंपनी ने ओरिजिनली इन्वेंट किया? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, सन, या ओरेकल। करेक्ट आंसर है सन। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से सबसे मोस्ट पावरफुल जो टाइप कंप्यूटर का कौन सा है? मेगा फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, या माइक्रो कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है बी, सुपर कंप्यूटर, जो सबसे पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन 22, व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर को अगर टर्न ऑन करें जब उस पूरा शट डाउन हो जाए तो उसको कौन सा बूटिंग बोलते हैं? ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, अल्ट्रा बूटिंग, या प्रो बूटिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन 23, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है और एग्जीक्यूट करता है? इसका ऑप्शन है कॉर्टेक्स लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन 24, बायोस स्टैंड्स फॉर। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट ओवरलोड सिस्टम, या बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इंट्रा आउटपुट सिस्टम। सर करेक्ट आंसर है सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन 25, व्हाट कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मींस बाय विच यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। इसका ऑप्शन है द प्लेटफॉर्म, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या द मदरबोर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बी करेक्ट आंसर है, जो कि हेल्प करता है कंट्रोल करने में कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन हो और क्या यूजर के लिए इंटरेक्शन के लिए वो कंप्यूटर के साथ जो है उसमें वो हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आपको 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, फ्री में आपको रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, एग्जाम अपडेट, रिजल्ट अपडेट, स्टडी मटेरियल अपडेट या फिर कोई न्यू वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड डिटेल के लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।